रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। देखिए, करंट अफेयर्स के इश्यूज में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को, अभी छोटे से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है इंटरव्यूज में, आपके इंटरव्यू में आपके आपसे इसके बारे में कहीं कुछ क्वेश्चन या डिस्कशंस हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सक्सेस का बेस बनेगा। अब देखें, अभी जो आपका G20 का शिखर सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली का आपका दिल्ली का घोषणा पत्र भी वहां पर आया, तो वहीं पर इस सम्मेलन में कुछ ऐसे विषय रहे जो आपके करंट अफेयर्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहेंगे। और वहीं पर एक नाम आपके सामने आया और उस ना वो नाम क्या था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस था। तो हम लोग इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसे GBA भी कहा जाता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की जब बात की जा रही है, विचार श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा दिया गया, और देखिए कि अगले ही दिन 8 और देशों ने इसको सह स्वीकार कर लिया। तो लगातार इसके वैश्विक स्तर पर इस विचार के आगे बढ़ने का हमें उम्मीद है। तो यहां पर देखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में हम लोग जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यहां डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए, यहां पर मैंने इमेज शेयर की है, जो G20 नेशंस की जो आपकी समिट हुई, जो बैठक हुई, या फिर यूं कहें शिखर सम्मेलन हुआ, नई दिल्ली में हुआ, उससे संबंधित एक इमेज मैंने आपको शेयर की, और उसी दौरान लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई। तो यहां पर जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है वो लॉन्च किया गया, और इसको लगातार अन्य देशों का भी जो समर्थन मिला वो बहुत हमारे लिए हर्ष का विषय था। तो देखिए, नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो विचार दिया गया है वैश्विक स्तर पर लगातार आगे बढ़ेगा। आखिर क्या है ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी लेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखें, यहीं पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसके बारे में हम लोग जब समझ रहे हैं, तो एक तो देखिए, अगर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन कहा जाता है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन कहा जाता है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की जब बात की जाए, तो G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा ये विचार दिया गया। तो बताइए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में कुछ फैक्ट पर मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि अगर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की जाए तो भारत, अमेरिका और ब्राजील इसके फाउंडर मेंबर होंगे। तो आपके लिए GK का एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के फाउंडर मेंबर कौन कौन है। एक तो भारत है, देखिए, और एक अमेरिका है, और एक आपका कौन है, ब्राजील है। और इनकी कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां रही हैं ग्लोबल बायोफ्यूल के संदर्भ में, या यूं कहें कि बायोफ्यूल के संदर्भ में, तो इस अलायंस में ये फाउंडर मेंबर हैं। तो फाउंडर मेंबर्स के नाम आपको ध्यान रखना है, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पर हम लोग यहां देखते हैं कि जो आपके फाउंडर मेंबर हैं, इसमें से अमेरिका और ब्राजील की बात की जाए, तो अमेरिका और ब्राजील की बात की जाए, तो स्टूडेंट देखिए यहां पर कितना महत्वपूर्ण है, दोनों ही देश एथेनॉल के मामले में वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं। तो एथेनॉल के मामले में, जब बायोफ्यूल के मामले में, एथेनॉल के मामले में ये वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं। तो यहां पर देखिए कि अमेरिका में प्रतिवर्ष 57.5 अरब लीटर का उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर बायोफ्यूल के संदर्भ में बात की जाए, तो बायोफ्यूल अमेरिका में हर साल में कितना है, 57.5 अरब लीटर का उत्पादन हो रहा है। वहीं ब्राजील की बात की जाए तो हर साल 35.6 अरब लीटर का उत्पादन कर रहा है। तो बताइए, बायोफ्यूल के मामले में, एथेनॉल के मामले में कौन से देश वर्ल्ड लीडर हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो अमेरिका है, और एक कौन सा है, ब्राजील है। इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के फाउंडर मेंबर कौन कौन है, तो देखो, एक तो अमेरिका है, एक आपका ब्राजील है, और एक कौन सा है, भारत है। तो आपके GK के ये दो कॉन्सेप्ट यहां पर इस आर्टिकल के अंदर मैंने क्लियर कर दिए हैं, जो आपके लिए आपको याद रखने हैं, नोटबुक में आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखें, आगे की बात कर रहे हैं हम लोग कि पिछले वर्ष
यानी कि अगर हम लोग 2022 की बात करें तो पिछले वर्ष ही 3 अरब लीटर का उत्पादन भारत ने भी किया है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल के संदर्भ में हमारी भी एक अपने आप में उपलब्धि रहेगी और भारत भी बायोफ्यूल के दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 3 अरब लीटर का उत्पादन भारत के द्वारा भी किया गया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखिए कि उल्लेखनीय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का प्रस्ताव दिया है। तो नरेंद्र जी मोदी के द्वारा कितने प्रतिशत एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का प्रस्ताव दिया गया है, उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि जो हमारा पारंपरिक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जो पेट्रोल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर 20% एथेनॉल वर्ल्ड लेवल पर मिलाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बायोफ्यूल की बात की जा रही है, तो 20% एथेनॉल की बात की जा रही है, बायोफ्यूल के स्थान पर एथेनॉल को मिलाया जाए 20% की बात की गई है, नरेंद्र जी मोदी के द्वारा सुधार दिया गया है। तो एक फैक्ट आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण बन जाता है कि नरेंद्र जी मोदी के द्वारा कितने प्रतिशत या भारत के द्वारा कितने प्रतिशत एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का प्रस्ताव दिया गया है, वो दिया गया है 20% एथेनॉल। इसके अलावा हम लोग बात करें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्देश्य जो है वो वैकल्पिक, ऑप्शनल और क्लीन ईंधन या फ्यूल को बढ़ावा देना है। तो यहां पर बात करें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो जो बायोफ्यूल होता है स्टूडेंट, इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। तो अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो एक तो ऑप्शन हमें ऑप्शनल फ्यूल मिल जाएगा, एक वैकल्पिक ईंधन मिल जाएगा और वो स्वच्छ ईंधन होगा, वो प्रदूषण भी कम करेगा। ये बायोफ्यूल की इंपॉर्टेंस है। तो बायोफ्यूल के प्रयोग को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण कम करता है। प्रदूषण कम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वैश्विक स्तर पर भी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो बायोफ्यूल में आपकी जो बात की गई है 20% एथेनॉल मिलाने की बात की गई है, ये आप नोट करिएगा। अब देखें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की जब बात करते हैं तो बार बार कहीं ना कहीं एक शब्द आता है, बायोफ्यूल। आखिर ये बायोफ्यूल है क्या? तो कुछ स्टूडेंट तो इसके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि बायोफ्यूल चर्चा का विषय रहा, लेकिन अगर एक डेफिनेशन की बात की जाए हमें उसे समझ लेना जरूरी है। आखिर ये बायोफ्यूल की जो डेफिनेशन है वो है क्या, आखिर ये बायोफ्यूल स्टूडेंट्स क्या है? तो बायोफ्यूल के बारे में बहुत स्पष्ट परिभाषा की बात की जाए तो जो पेड़ पौधे हैं उनका जो कचरा है, पशु या मानव जनित घरेलू अपशिष्ट है, तो कुल मिलाकर पेड़ पौधों का जो कचरा है, मानव जनित जो अपशिष्ट होते हैं, वो पदार्थ जो है उनसे तैयार ईंधन को क्या कहा जाता है, इनसे तैयार ईंधन को बायोफ्यूल कहा जाता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे मानव जनित घरेलू अपशिष्ट हो, तो ऐसे पेड़ पौधों का कचरा और मानव जनित जो अपशिष्ट होते हैं उनके उनसे जो बनने वाला ईंधन होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, बायोफ्यूल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से एथेनॉल शामिल होता है, बायोडीजल शामिल होता है और बायोगैस शामिल होती है। तो कुल मिलाकर बायोफ्यूल ईंधन के एग्जांपल अगर आपकी बात की जाए तो वो क्या क्या हैं? एक तो देखो आपका है बायोडीजल आपको बताया जा रहा है, बायोगैस आपको बताया जा रहा है, बायोफ्यूल एथेनॉल तो आपको बताया ही जा रहा है। तो यहां पर ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, बायोफ्यूल के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए यहां पर जो दिया गया है कि जो बायोफ्यूल होता है स्टूडेंट, वो पारंपरिक जीव वाष्प ईंधन फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम ईंधन की तुलना में पर्यावरण के अधिक अनुकूल माना जाता है। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो इको फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, पर्यावरण के अधिक अनुकूल होता है, ये क्या है आपका बायोफ्यूल है। तो पोल्यूशन कम करता है इसलिए इसको बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिसका वैश्विक स्तर पर एक बड़े स्तर पर हमारा प्रचार हो चुका है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है। अब देखें बायोफ्यूल के प्रयोग से एक तो प्रदूषण कम होता है, तो आपका प्रदूषण यानी पोल्यूशन कम होता है, और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की अगर हम लोग बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जो कार्बन का उत्सर्जन है, वो जो कार्बन इमिशन है, वो हमें 2050 तक शून्य करने का हमने लक्ष्य रखा है। तो बताइए इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो कार्बन उत्सर्जन है वो शून्य करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, वो 2050 तक रखा गया है, उस दिशा में भी हमें आगे बढ़ना है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ बायोफ्यूल के बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर लिए हैं। ये एक उद्देश्य था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने का, जो एग्जाम में सक्सेस का बेस बनेंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।